लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कटघोरा में 32वां सड़क सुरक्षा माह का हुआ शुभारंभ। पुलिस ने सुरक्षित यातायात के लिए शुरू की मुहिम। नगर अध्यक्ष उतरे सड़क पर, लोगों को पाम्पलेट बांट कर दी समझाइश। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों पुलिस 32वां सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ कर रही है। बीते वर्ष तक यह कार्यक्रम साप्ताहिक रूप में आयोजित होता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका दायरा बढ़ाकर इसे मासिक कर दिया गया है। 18 जनवरी से शुरू हुए इस सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ जिला मुख्यालय कोरबा में कल किया गया था, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा के निर्देशन पर एएसपी व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शिरकत की थी। सड़क सुरक्षा व जन जागरूकता के मद्देनज़र इससे जुड़ी कार्यक्रम जिले के सभी थाना क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत पुलिस के अधिकारी, जवान व जनप्रतिनिधि सभी आम छोटे बड़े वाहन चालकों को हेलमेट का उपयोग करने, धीमी व सुरक्षित गति से वाहन चलाने, नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाने के साथ सड़क नियमों के पालन करने की नसीहत देंगे। इस 32वें सड़क सुरक्षा माह के तहत आज जिले के कटघोरा में भी जन जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आयोजन में नगर अध्यक्ष रतन मित्तल व सूबेदार भुवनेश्वर प्रसाद कश्यप के अलावा पत्रकार व अन्य जन प्रतिनिधियों ने प्रमुख रूप से शिरकत की। क्लिपा 28 के लिए कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। यातायात पुलिस का 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन आज कटघोरा में हो रहा है, किस तरह से लोगों को समझाइश दी गई, किस तरह से पूरा आयोजन आज यहाँ हुआ है? आज 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का दूसरा दिन है। पहले दिन हम लोगों ने कोरबा में शुभारंभ किया, इसके बाद अगले सात दिन तक के कटघोरा विभाग के प्रत्येक थाना क्षेत्र में कार्यक्रम हम लोग करेंगे। आज कटघोरा में हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुला करके उनकी राय सुनी और सड़क पर जो भी वाहन चालक गुजर रहे हैं उनको समझाया गया, सड़क सुरक्षा संबंधी पंपलेट भी दिया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वो यातायात नियमों के तहत ही वाहन चलाएँ ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कोरबा का बहुत ही सराहनीय प्रयास है और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकगण अपने अपनी जो राय है वो व्यक्त किए हुए हैं। निश्चित ही हम सभी को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए और यदि आप खुद सुरक्षित होकर चलेंगे तो दूसरे व्यक्ति को भी सुरक्षित रह सकेंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। दूसरा, जो अभी कश्यप जी बता रहे थे कि यदि कोई एक्सीडेंटल केस है तो उसमें थाने में पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत घायलों को हॉस्पिटल लेके जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई पुलिस का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस पर भी ध्यान दें। आप बेधड़क होकर यदि कोई ऐसी नौबत आती है तो उनको तुरंत सहायता प्रदान करें। हेलमेट का उपयोग कंपलसरी किया जाए, शासन से भी मेरा यही निवेदन है। दूसरा, जो नशे के हालत में जो गाड़ियां जो चलाते हैं उनसे भी अपन सब बचें और यदि छोटे छोटे अपन नियमों का पालन करेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। एक मांग लंबे समय से थी कि एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की पदस्थापना यहाँ की जाए ताकि ट्रैफिक को रोकने में मदद मिले, तो इस मांग को एक नगर अध्यक्ष के तौर पे आप किस तरह देखते हैं और आपका क्या प्रयास रहेगा? अभी कश्यप जी से ही बात चल रही थी, मैं कल एसपी साहब को एक लेटर भिजवाऊँगा ट्रैफिक पुलिस के बारे में और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगेगी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.